फार्मा कंपनी जायडस कैडिला ने आज कहा कि उसने कोविड 19 से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए उपयोगी दवा रेमडेसिविर को रेमडेक ब्रांड नाम से भारतीय बाजारों में पेश किया है। कंपनी ने बताया कि रेमडेक की 100 मिलीग्राम की शीशी कीमत 2800 रुपए है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर खुफिया ब्यूरो ने अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में कहा गया कि अमेरिका में रहने वाले सिख फॉर जस्टिस के आकाओं में से एक गुरुवार पंत सिंह पन्नू ने 14, 15 और 16 अगस्त को लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहराने का ऐलान किया है। इसके लिए 1.25 लाख अमेरिकी डॉलर यानी करीब 93.5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा भी की है। मनपा आयुक्त द्वारा व्यापारियों के लिए 18 अगस्त से पहले अपना कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य किए जाने का आदेश जारी किया गया है। भाजपा व्यापारी आघाड़ी ने इसका विरोध किया है। आघाड़ी ने महापौर संदीप जोशी, विधायक प्रवीण दटके एवं परिवहन सभापति बाला बोरकर को ज्ञापन सौंपकर इससे संक्रमण बढ़ेगा। कोविड 19 संक्रमित मिलने पर प्रशासन द्वारा संबंधित परिसर बिल्डिंग मकान परिसर को सील किया जा रहा है, लेकिन सील करने के बाद संबंधित परिसर की कोई सुध नहीं ली जा रही है। प्रशासन की इसी तरह की लापरवाही नजर आई है। दक्षिण पश्चिम नागपुर के त्रिमूर्ति नगर इलाके में इसके चलते नागरिकों को बहुत परेशान होना पड़ा। जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने नागरिकों से पोला सर्व बेहद सादगी से मनाने की अपील करते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करते हुए मास्क पहनकर बैलों की पूजा करने की अपील की गई। बिजली वितरण कंपनी के एक ठेकेदार द्वारा अनुमति के बगैर मार्ग को खोदने मामले में मनपा के उप ठेकेदार पर 1,92,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। नोटिस दिए जाने के कुछ देर बाद संबंधित ठेकेदार ने जुर्माने की रकम अदा कर दी है। रास्ता खोदे जाने के संबंध में मनपा के नागपुर लाइव सिटी ऐप पर शिकायत की गई थी। मनपा सत्तापक्ष नेता कार्यालय तक कोविड की एंट्री हो चुकी है। कार्यालय के चपरासी ड्राइवर को संक्रमण होने की पुष्टि हुई। इसके साथ ही 6 और कर्मियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। बुधवार को 73 कर्मियों की जांच कराई गई थी, जिसमें 6 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसमें ई गवर्नेंस विभाग के 1 कर्मी व अन्य विभाग के कर्मचारियों का समावेश है। लगातार बढ़ रहे संक्रमण से मनपा कर्मियों में भय का वातावरण। गुरुवार को कोविड के 727 नए मरीज मिले। इनमें ग्रामीण के 92 और शहर के 665 मरीज शामिल है। इसमें नागपुर जिले में मरीजों की कुल संख्या 11,709 हो गई है। वहीं आज 18 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 420 पर पहुंच चुकी है। गुरुवार की दोपहर हुए इस हादसे से कुछ समय के लिए तनाव निर्माण हो गया। मृतक महिला कलेक्टर कॉलोनी गोधनी मार्ग निवासी मंजुषा दलाल है। शहर के ओकाहार्ट व 7 स्टार हॉस्पिटल ने कोविड संक्रमित मरीजों से मनमाना शुल्क वसूला था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे ने दोनों ही हॉस्पिटल को नोटिस जारी कर रोगियों से वसूले गए अतिरिक्त पैसे लौटाने का निर्देश दिया था।